वेलकम टू द अनदर वीडियो पोकेमोन जर्नीज। पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड 73 देखने के बाद में पता चला कि पोकेमोन कंपनी के पास अब कंटेंट नाम की चीज नहीं बची है और वो फिलहाल गोकाई डेवलपमेंट करने वाली है। बट आफ्टर 10 मिनट के बाद जो हुआ अभी मजा आएगा ना भिड़ो के बाद पूरे वर्ल्ड के पोकेमोन फैंस की आंखें की फटी रह गई, क्योंकि गाइस हमें एक ऐसा स्पेशल ट्रेलर देखने को मिला जिसमें हमारे ऐश का डेवलपमेंट भी देखने को मिला एंड हमें एक और कैरेक्टर रिटर्न देखने को मिला। एंड उसे देखने के बाद मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया पोकेमोन कंपनी से। एंड आज हम बात करेंगे उन्हीं अपडेट के बारे में। कंफ्यूजन हमारे पोकेमोन फैंस को हो रहा है कि क्या हमारा ऐश कैच कर सकता है डार्क या गो, क्या हमारा गो कैच कर सकता है क्रिस्टेलिया पोकेमोन को, इनमें से कौन सा पोकेमोन हमारा ऐश कैच करेगा, ऐश अभी पोकेमोन कैच क्यों नहीं कर रहा है। तो गाइस ये सब वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को एंड तक देखना जो पोकेमोन के सबसे बड़े फैंस हैं। तो लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर रिटर्न के बारे में। तो गाइस फाइनली डॉन रिटर्न होने वाली है पोकेमोन जर्नीज में। अब कुछ पोकेमोन फैंस इस बात को नहीं माने कि उन्हें भी प्रूफ चाहिए, तो तुम लोग स्क्रीन पे मैंने जो एपिसोड 75 एंड 76 का जो स्पेशल प्रीव्यू रिलीज हुआ था उसमें से कुछ इमेजेस डॉन की दिखाई है। एंड बेसिकली इसमें फाइनली डॉन रिटर्न होने वाली है। खुद को पिंच करके भी इस इमेजेस को देख लो कि डॉन रिटर्न होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इन फोटोज में हमें डॉन का एनिमेशन कैसा देखने को मिल रहा है। फाइनली कुछ बात करते हैं एनिमेशन के बारे में। हम एनिमेशन के बारे में बात करें तो गाइस काफी एनिमेशन तगड़े दिए गए, आयरिस से भी तगड़े एनिमेशन डॉन को दिए गए। ऐसा कैरेक्टर डिजाइन मैंने अभी तक तो नहीं देखा पोकेमोन जर्नीज में, एंड ये एक स्पेशल टाइप का एपिसोड होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि डॉन कैसे रिटर्न होगी इस एपिसोड के अंदर। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डार्कराई, एंड डार्कराई काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो एक रिवर के अंदर चला जाता है गुस्से में एकदम अचानक से, एंड उसके बाद रिवर में अचानक से सुनामी आने लग जाती है। एंड हमारा ऐश दूर से देख लेता है, एंड दूर से देखकर हमारा ऐश चिल्लाता है डार्कराई। हमें देखने को मिलता है अचानक से क्रिस्टेलिया पोकेमोन जिसके पीछे काफी सारे इलेक्ट्रिक टाइप अटैक कर रहे होते हैं, तो इसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो वो कौन लगा जो क्रिस्टेलिया पोकेमोन को पकड़ना चाहते हैं। अचानक से फिर से डार्कराई दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है। हमें दिखाया जाता है कि एरोप्लेन जो कि हमारा कांटो रीजन से जीता सीनो रीजन जाता है, देखने को मिलता है कि हमारी जो कुहार होती है वो एकदम समर क्लोज में हमें देखने को मिलती है। एंड उसकी एंड उसकी ईवी के पीछे हमारे जो पोकेमोन है वो पड़ जाते हैं, एंड वो एक जंगल की ओर भाग जाती है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये होने वाला है कि जो हमारी कुहार है वो हमारे ऐश एंड गो से अलग हो जाएगी एयरपोर्ट पे, यानी कि एयरपोर्ट पे वो बिछड़ जाएगी हमारे ऐश एंड गो से, एंड उसे ढूंढते हमारे ऐश एंड गो मिलने वाली है हमारी डॉन से। हमारी जो कुहार है वो ऐश एंड गो से अलग होने के बाद जस्ट डॉन से मिलने वाली है, एंड डॉन की वो काफी अच्छी दोस्त बनने वाली है, क्योंकि इस सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं एंड कितने अच्छे दोस्त बनने वाली हैं। तो गाइस इन फ्यूचर हमारी जो कुहार है वो हमारी जो डॉन की काफी अच्छी दोस्त बनने वाली है, एंड उसके बाद ये जो मिलने वाली है वो हमारी ऐश एंड गो से मिलने वाली है। बाद में देखने को मिलता है कि काइलैंड पे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टेलिया पोकेमोन को काफी ज्यादा चोट लगी है, एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक स्पेशल टीम रॉकेट का जो एक रॉकेट है वहां पर, एंड उसमें काफी सारे मेंबर्स उतरते हैं जो कि क्रिस्टेलिया पोकेमोन को कैच करने के लिए है। बाद में हमारे ऐश एंड डॉन के जो पिपलप एंड ईवी दिखाया जाता है जो कि एकदम फाइटिंग मूड में होता है, एंड हमारा ऐश कमांड देता है पिकाचू को, एंड पिकाचू उन पे अटैक करता है जो कि टीम रॉकेट के जितने भी मेंबर्स हैं जो कि स्पेशल मेंबर्स जो कि हमारी क्रिस्टेलिया पोकेमोन को कैच करने के लिए आए हैं। एंड बाद में हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक सीन रिवील होता है जिनके अंदर इन लोगों को कैच कर लिया जाता है। हां गाइस हमारे जो टीम रॉकेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो इन लोगों को कैच कर लेंगे, एंड हमारे क्रिस्टेलिया पोकेमोन को भी कैच कर लेंगे। अचानक में स्टोरी में एंट्री होती है हीरो की जो कि हमारा डार्कराई, एंड गाइस डार्कराई सबको बचाने के लिए आ जाता है, एंड फाइनली बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, एंड वो सब पे अटैक करता है, एंड वो फाइनली बचा लेता है। एंड उसके बाद जो हमारी क्रिस्टेलिया पोकेमोन है वो सबको बचाती है, एंड बाद में लिखा हुआ आता है एज ए स्पेशल एपिसोड। तो गाइस इसमें सारा मेन रोल हमारे डार्क एंड क्रिस्टेलिया पोकेमोन पे होने वाला है, एंड जिसमें हमारी डॉन भी रिटर्न देखने को मिलेगी एज टू एपिसोड में। तो गाइस ये फुल ट्रेलर होने वाला है। बात करते हैं कि काफी लोगों के डाउट है कि क्या हमारा ऐश कैच करेगा डार्क या क्रिस्टेलिया पोकेमोन को, हमें ऐश का डेवलपमेंट कब देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को बता दूं कि देखो फाइनली ये बात तो कंफर्म है कि हमारा ऐश डार्किया को कैच नहीं करेगा। हाँ ये बात अलग है कि वो हमारी काफी ज्यादा मदद करने वाला है इस एपिसोड के अंदर जो कि इन दोनों पोकेमोन डार्किया एंड क्रिस्टेलिया पोकेमोन की इस एपिसोड के अंदर। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐश अभी फिलहाल पोकेमोन कैच क्यों नहीं करना है। तो गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं कि ऐश एज ए मैन हीरो है, एंड हीरो को एक ऐसा पोकेमोन दिया जाने वाला है जो कि हमारा एक टू जीरो पोकेमोन हो, यानी कि जिस पोकेमोन को कुछ नहीं होता बाद में वो एकदम हीरो बनेगा, वही पोकेमोन मिलेगा। एंड ये जो पोकेमोन है वो पहले से ही पावरफुल पोकेमोन है, तो हमारे ऐश को ऐसा पोकेमोन मिलेगा जो कि पहले से पावरफुल ना हो, उसे ऐश ही अपने दम पर पावरफुल पोकेमोन बनाए। एंड अब बात करेंगे क्या गो इस एपिसोड में कोई भी पोकेमोन की जिंदगी बर्बाद करेगा। तो देखो गो हमारा लेजेंडरी पोकेमोन को कैच कर सकता है, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो हाँ हो सकता है कि हमारा गो कैच कर सकता है डार्क या क्रिस्टेलिया एक पोकेमोन को कैच कर सकता है, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट ऐश का डेवलपमेंट इस एपिसोड के अंदर हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, बाकी ऑन द डिपेंड ऑन स्टोरी लाइन करता है, हम जस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बाकी आपका पोकेमोन कंपनी में डिपेंड करता है कि वो क्या करेगी। सो अगर आपका आज को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, क्योंकि ये जस्ट एक क्विक अपडेट था, बाकी वीडियो मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। एंड आपका चैनल एंड आपका सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखना, दिल से शुक्रिया यार इतनी वीडियो को देखा भाई, सच में काफ़ी मेहनत लगी थी, बट दिल से शुक्रिया बोल रहा हूँ तुम लोगों का। थैंक यू।